सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज 14th ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड साइट डे है। वर्ल्ड साइट डे जनरली सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है और पूरी जगत में ये मनाया जाता है इस अवेयरनेस के लिए कि अपनी आँखों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें जो विजन इम्पेयरमेंट्स होते हैं उसको कम करना चाहिए और ब्लाइंडनेस को भी नहीं होना चाहिए। तो इस टाइम ये 14th अक्टूबर को आया है और इस साल का थीम है लव योर आईज। सो अपने आँखों को प्यार कीजिए। तो अभी वर्ल्ड साइट डे में आज हम बात करेंगे चार चीज़ों की, चार आँखों के प्रॉब्लम्स की, जिससे हमारी नज़र कम्प्लीटली जा सकती है और ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो ये चार चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें और जल्दी से इसका ट्रीटमेंट करें तो ब्लाइंडनेस होने के चांसेस बहुत कम है। सबसे पहले बात करेंगे ग्लॉकोमा के बारे में। तो ग्लॉकोमा क्या चीज़ रहती है? तो जैसे हमारा ब्लड प्रेशर रहता है, जिसको हम बोलते हैं बीपी, तो ब्लड प्रेशर अपने बॉडी में एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है, वैसे ही अपने आँखों में इंट्राओक्युलर प्रेशर रहता है जो अपने आँखों को एक नॉर्मल राउंड शेप में रखता है। तो इंट्राओक्युलर प्रेशर नॉर्मल जो रहता है वो 10 से 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी रहता है। और अगर आप सोचें कि आँख के अंदर एक टैप है और टैप से पानी आ रहा है और दूसरी जगह से पानी जा रहा है तो ये इंट्राओक्युलर प्रेशर मेंटेन होगा। पर अगर आप ऐसा सोचें कि आँख टैप जो है वो खुला है पर ड्रेनेज बंद हो गया है तो क्या होगा? तब ये होगा कि आँख के अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा और उसके वजह से जो नर्व रहती है जो आँख से अपने ब्रेन को कनेक्ट करती है वो डैमेज हो सकती है। तो इसको बोलते हैं ग्लॉकोमा, जहाँ एक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और नर्व डैमेज हो रही है। और एक टाइप का ग्लॉकोमा है जिसको बोलते हैं नॉर्मल टेंशन ग्लॉकोमा, जिसमें प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहता है पर नर्व पे वो नर्व पे इफेक्ट करके उसको डैमेज कर रहा है। पर कॉमन चीज़ तो है जिसमें प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ग्लॉकोमा में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सबसे अर्ली स्टेजेस में इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं रहते हैं। आपको चश्मा या विदाउट चश्मे से एकदम क्लियर दिखाई दे सकता है पर साइड विजन जो रहता है वो इसमें अफेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमको सब स्ट्रेट अच्छी तरह दिख रहा है तो हम इसको मिस करते हैं, तो हमको पता नहीं चलता कि एक्चुअली प्रॉब्लम है आँखों में। जब ये साइड विजन बढ़ के सेंटर तक आती है तभी हमको इसके बारे में पता चलता है और तब तक ऑलमोस्ट 80-90% नर्व डैमेज हो चुकी होती है। जैसे कैटरेक्ट निकालने के बाद पूरी 100% विजन आ सकती है, वैसे ग्लॉकोमा में नहीं होता। जितनी नर्व बची है उतनी ही नर्व को हम सेव कर सकते हैं, जितनी नर्व डैमेज हो चुकी है उसको हम वापस नहीं ला सकते। तो इसीलिए ग्लॉकोमा चेकअप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी, जैसे जनरली 40 इयर्स के बाद में ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो 40 इयर्स के बाद में एक साल में एक बार रेगुलर चेकअप करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। कोई कोई कंडीशंस रहते हैं जिसमें ग्लॉकोमा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे हेरिडिटरी। तो घर में अगर किसी को फैमिली में हिस्ट्री है ग्लॉकोमा की, या अगर कोई डायबिटीज़ किसी को है, हाइपरटेंशन है, कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है इनहेलर्स के जैसे, या टैबलेट्स आर्थराइटिस के लिए, किसी के लिए भी स्टेरॉइड ले रहा है, या किसी को पास्ट इंजरी हुई है, बहुत सालों पहले आँखों में इंजरी हुई है, इन लोगों को ग्लॉकोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन लोगों को और भी ज़रूरी है कि रेगुलर चेकअप के लिए आना चाहिए। अभी रेगुलर चेकअप में डॉक्टर क्या करते हैं? एक तो आँख का प्रेशर चेक करते हैं, दूसरा फील्ड ऑफ विजन देखते हैं कि कितना डैमेज हुआ है और इनका नर्व पे इन आँखों के प्रेशर के वजह से कुछ अफेक्ट हुआ है, ये इसे समझ में आ जाता है। और एक रहता है OCT स्कैन जो किया जाता है, जिसमें आपके नर्व की थिकनेस बाकी आपकी उम्र के लोगों से कंपेयर की जाती है और जिसे अपने को काफ़ी आइडिया समझती है।
और चौथी है कि ऑप्टिक नर्व का पिक्चर लिया जाता है, जिससे भी अपने को सीरियली मतलब फ्यूचर में कंपेयर करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ग्लॉकोमा अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हुआ तो इसमें अपने को काफ़ी सारे ट्रीटमेंट काफ़ी इजी होती है, कि जैसे हम डायबिटीज़ के लिए उम्र भर टैबलेट्स लेते हैं, वैसे इसके लिए आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं और आई ड्रॉप से ये कंट्रोल रहता है। अगर कोई कोई ग्लॉकोमा के लिए लेज़र भी करना पड़ता है, और अगर कोई लेट स्टेज पे आया, जैसे बहुत एडवांस स्टेज में आया, तो उसमें सिर्फ ग्लॉकोमा की सर्जरी कर सकते हैं। और सर्जरी करना अगर अवॉइड करना हो तो डेफिनेटली अर्ली स्टेजेस में आना चाहिए और अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। सो ये तो हो गया ग्लॉकोमा। सेकेंड हम बात करेंगे एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन। सो नाम के हिसाब से ये दिखता है एजेड पॉपुलेशन में, और इसमें जो विजन रहती है वो सेंट्रल विजन अफेक्ट होती है। सो एकदम ग्लॉकोमा से ऑपोजिट, ग्लॉकोमा में साइड विजन अफेक्ट हुई, इसमें सेंट्रल विजन अफेक्ट होती है। और जैसे किसी से बात करनी हो तो उनका फेस नहीं दिखता क्लियरली, तो ऐसे जो सिम्टम्स रहते हैं वो ARMD के रहते हैं। और ARMD में जो वेट ARMD रहता है उसके लिए कभी कभी इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस बोलते हैं इसको, और ये इंजेक्शंस काफ़ी रिपीटेटिव रहते हैं, तो काफ़ी बार देना पड़ता है जब तक ये अच्छी तरह कंट्रोल ना हो जाए। इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक चार्ट भी मिलता है जिसको बोलते हैं एम्सलर्स ग्रिड। तो एम्सलर्स ग्रिड में रहते हैं ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस रहते हैं, और इसका प्रिंटआउट भी मिलता है जो आप अपने फ्रिज के साइड में लगा सकते हैं, और मंथली इसको एक बार देखते रहे। ये है कि घर पे कैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर कभी भी ये लाइंस क्रूकेड दिखे, सीधी नहीं है, या कोई लाइंस गायब है, ऐसा कुछ भी लगे, वो जनरली स्क्वायर अच्छे पैटर्न्स नहीं दिखे, तो इसका मतलब मैक्यूला में या रेटिना में कुछ प्रॉब्लम है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर इसके लिए भी रेगुलरली साल में एक बार चेक किया तो डेफिनेटली ये चीज़ भी एकदम अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट होके ट्रीट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो ऑलमोस्ट सभी ने इसके बारे में सुना होगा। डायबिटीज़ आंखों के हर पार्ट को अफेक्ट करती है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है डायबिटिक रेटिनोपैथी, वो जब अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो, जिसमें थोड़े थोड़े ब्लीडिंग स्पॉट्स हैं, बाकी कुछ नहीं है, तब अच्छा शुगर, BP और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल किया तो इस चीज़ को हम इधर ही स्टॉप कर सकते हैं। अगर थोड़े लेट आए तो कभी कभी लेज़र करने पड़ते हैं, स्पेशली जब भी डायबिटीज़ के वजह से कुछ स्वेलिंग हुआ हो रेटिना में तो लेज़र करने पड़ते हैं, और कभी कभी इसमें भी इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। बहुत लेट स्टेजेस में जहाँ आँखों में ब्लीडिंग हो गई हो तब तो सर्जरी करना पड़ता है। तो इसमें भी अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज़ बेटर प्रोग्नोसिस। चौथी चीज़ है फ्लोटर्स। तो कभी आपने देखा होगा कि कुछ भी देखते वक्त ऐसे छोटा सा कुछ कीड़े जैसा कुछ घूम रहा है, कुछ मूव हो रहा है, इसको बोलते हैं फ्लोटर्स। और एक और चीज़ रहती है फ्लैशेस, जैसे लाइट के इससे एकदम फ्लैश आ रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर फर्स्ट टाइम दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि कभी कभी तो ये नॉर्मल हो सकती है, पर कभी कभी रेटिनल होल्स के वजह से, टेयर्स के वजह से भी होता है। अगर ये ड्रॉप्स डाल के जब डॉक्टर चेक करते और डिटेक्ट हुआ तो एक छोटे से लेज़र प्रोसीजर से ये होल्स बंद कर सकते हैं। पर अगर इसको हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और वैसे ही रख दिया तो ये होल्स बढ़कर डिटैचमेंट हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट, जिसमें अपने को काफ़ी बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है। जिन लोगों को पहले से फ्लोटर्स है, जैसे काफ़ी सालों से फ्लोटर्स हैं, उनको अगर उनके फ्लोटर्स में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है एकदम से इंक्रीज़ हो गए हैं या एकदम फ्लैशेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें और इन सब चीज़ों के लिए अगर हमने एक रेगुलरली चेकअप किया साल में एक बार, तो ये सब चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं, और हमारे आंखें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसका हम अच्छी तरह ध्यान रख सकते हैं।
तो यही एक टेक होम मैसेज है कि टेक केयर ऑफ योर आईज, डू अ रेगुलर चेकअप, एंड स्पेशली अगर आपके कोई रिस्क फैक्टर्स हो तो डेफिनेटली चेकअप करना चाहिए. थैंक यू सो मच.